हाय, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। आई थिंक मैं ऑनलाइन हूँ। सो या मुझे दिख तो नहीं रहा है कि मैं ऑनलाइन आ गई हूँ, बट अ वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू अन अकेडमी। सो यस नाउ, अच्छा अब मैं कंफर्म हो गई कि मैं आ रही हूँ। ओके गाइस, सो यस, आज का आप लोगों का चैप्टर चैप्टर नंबर 4, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर लेकर के आज का सेशन है, और यूरोपियन यूनियन एंड आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस, बहुत आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने क्लास में। प्रशांत आ गए हैं, हेलो प्रशांत, हाय प्रांजल, हाय प्रांजल, हाय सागर, वाओ आप लोग पहले ही आ गए हो, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत, सागर, सभी का मैं एंड प्रांजल, प्रांजल तीनों का मैं स्वागत करती हूँ गाइस। और आज हम लोग ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में यूरोपियन यूनियन और जो आसियान कंट्रीज़ का जो गठन हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों के बुक में ही बड़ा ही प्रॉपरली फर्स्ट चैप्टर ही है द कोल्ड वॉर इरा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है गाइस, क्या हो जाता है, दो पावर का इमर्जेंस होता है, रशिया एंड अमेरिका, है ना। उसी के बाद सेकेंड चैप्टर में हम लोग फिर पढ़ते हैं कि बाइपोलैरिटी का एंड हो रहा है, द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, दैट इज़ दोनों पावर का किस तरह से खात्मा होता है, दोनों का नहीं होता है, लेकिन बाइपोलर जो दो तरफ कॉन्सेंट्रेट कर गया था पावर, एक पावर बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर गया, रशिया टूट गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया क्या किया, बाइपोलैरिटी को ख़त्म कर देता है। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा यूएस हेजिमनी, यूएस का एक तरह से वर्चस्व, हम लोगों ने देखा पूरे वर्ल्ड पे किस तरह से उसने एक दादागिरी के तरह निभाया, जैसे इराक वॉर किया उसने, अफगानिस्तान पे, मतलब किसी की भी बात न सुनना और यूएस हावी होना पॉलिटिकल सिस्टम पे भी और इकोनॉमिकल सिस्टम पूरे वर्ल्ड पे छाना जिसको कहते हैं। तो अब फोर्थ जो आपका चैप्टर है दैट इज़ डिज़ाइंड एज डिज़ाइंड कि जैसे अमेरिका का वर्चस्व ना रहे इसलिए ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स का बनना ज़रूरी था। गॉट इट। सो आज हम लोग पहला, ये चौथा चैप्टर जो आपका है, आज पहला सेशन शुरू करेंगे। हेलो हेलो अभी, हाय। सो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और ये शुरू करेंगे कहाँ से, आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है रशिया का, तब से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री में भी जाएंगे गाइस, क्योंकि बिना इतिहास में गए आप क्लियर होगा ही नहीं कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन क्यों उभर करके सामने आता है एज एन ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। गॉट इट। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ दिस जर्नी विल बी ऑफ हाफ ऑफ एन आवर, एक घंटे की यात्रा आपके साथ मेरी होगी गाइज। हम लोग इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सुंदर सी यात्रा करेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन एंड आसियान का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड के बाद क्या सिनेरियो है देखिए गाइज। It became clear after the end of the bipolar politics that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. We have seen that. हमने US hegemony में देख लिया उसका dominance. तो उसको control, उसको counter करने के लिए politically और economically एक power का ज़रूरत था, एक power को खड़े होने की आवश्यकता थी. Now, two biggest regional organizations which have been successfully and productively working for securing several common interests, बहुत सारे common interest को लेकर के common regional organizations का formation शुरू हो गया, जिसमें कि एक है आसियान countries का जो south asia में होता है, और european union जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर के बनता है। धीरे धीरे गाइस हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन में एक साथ धीरे धीरे 5 कंट्री, 7 कंट्री, 10, 20 और धीरे धीरे 28 कंट्री का ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। ठीक है,
द यूरोपियन यूनियन इज सेट अप, इसका एम क्या था गाइज? यूरोपियन यूनियन के बनने के पीछे कारण क्या था? एम ऑफ एंडिंग द फ्रिक्वेंट ब्लडी वॉर्स बिटवीन नेबर्स। हम लोगों ने इतिहास में देखा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये सब आपस में लड़ते रहे हैं, पोलैंड भी। तो ये जो लड़ाई और वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में घमासान युद्ध हुआ, गॉट इट? और ये उनकी ज़मीन पे हुआ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि अगर अमेरिका शामिल भी है, जापान शामिल भी है और अदर कंट्रीज शामिल भी है, तो ज़मीन किसकी इस्तेमाल की गई थी? यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन ज़मीन बुरी तरह से हताहत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे धन संपत्ति, जो नेशनल प्रॉपर्टी होते हैं उनको नुकसान, एक तरह से डिवेस्टेशन था पूरे यूरोपियन कंट्री में, एक उसको सर्वनाश जिसको कहेंगे एक तरह से। सो द यूरोपियन यूनियन का एम यही था कि सबसे पहले तो वॉर ख़त्म हो हम लोगों के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ज़्यादा पुख्ता हो गया था कि अब शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ 1950 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो रहती है, वो धीरे 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 बिगिंस टू यूनाइट यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी यूनाइटेड होना शुरू करते हैं ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये कैसे आया अस्तित्व में, हम लोग आगे देखेंगे। नाउ देयर मेंबर्स टेक कलेक्टिव डिसीशंस इन देयर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, अपने अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव डिसीशन लेते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे उनकी भलाई के लिए और उस एरिया को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए। क्लियर है गाइस? वेरी एकदम, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है? सो मैम इसका एनिमेशन दिखाना, आशिया क्या था मैम? हाँ, आशियान कंट्री बाद में आएगा, आसियान बोलते हैं, आसियान कंट्री हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस, देखिए हेवी डिस्ट्रक्शन इन लाइफ हुआ था यूरोपियन कंट्री में, मैंने बताया आपको। वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने क्या किया? डिसाइडेड टू अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, एक तरह से क्षेत्रीय सहयोगिता, हिंदी में कहेंगे क्षेत्रीय सहयोगिता एंड रिकंस्ट्रक्शन, अपने आप को फिर से बनाना। रिकंस्ट्रक्शन माने फिर से निर्माण करना डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज इकट्ठे होती हैं, रीजनल कंट्रीज, अपने रीजन को शांति में रखने के लिए और आर्थिक रूप से पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए। क्लियर है? Now, America extended massive financial help for reviving Europe's economy. यहाँ देखिए सबसे पहले help किसके रूप में आता है? America ने Marshall Plan के तहत उनको यूरोपियन कंट्रीज़ को एक तरह से इस devastation से निकालने के लिए, उनके इस क्षतिग्रस्त, इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा है, एक्सप्लेन इन हिंदी, हिंदी में ही तो कर रही हूँ guys. सागर में हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो मार्शल प्लान के तहत क्या किया, यूएस ने एक तरह से इकोनॉमिक एड करने की कोशिश की कि जो यूरोप बिल्कुल टूट चुका है, एक तरह से युद्ध में एकदम, मतलब काफ़ी ज़मीनी हालत भी बहुत ख़राब, लोगों का भी बहुत ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ था गाइज, बहुत सारा डिवेस्टेशन, जो नेशनल प्रॉपर्टी, म्यूजियम्स, आपने देखा होगा पिक्चर्स वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क टूट गए हैं, मकान टूट गए हैं, चारों तरफ बम गिरा हुआ, ध्वस्त चारों तरफ। तो फिर से जो रीबिल्ड करना, फिर से नवनिर्माण के लिए मार्शल प्लान आता है एक तरह से फाइनेंशियली, एक आर्थिक सहयोग के रूप में, कि यूरोप को अपने आप को नवनिर्माण की ओर ले जाने के लिए। क्लियर है? नाउ यूएस सेक्रेटरी जो थे स्टेट जॉर्ज सी मार्शल, जिन्होंने कि ये मार्शल प्लान बनाया था,
फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने क्या किया कि ये 4 साल के लिए ये प्लान बनाया कि 4 साल हम आपको रिकंस्ट्रक्ट, सिटीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो कि वॉर में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उन सब को डेवलप करने के लिए हम आपको पैसे देते हैं। गॉट इट? क्या करने के लिए? रिकंस्ट्रक्ट सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, अपने उद्योगों को फिर से आप लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सड़क का सुधार करिए, नदियों का पुल बनाइए, जो डैमेज हुआ है वॉर में उन सब को आप सुधारिए। इस वजह से मार्शल प्लान आता है। गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आता है कि ट्रूमैन पॉलिसी भी एक आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जब आता है ट्रूमैन पॉलिसी, तो ट्रूमैन पॉलिसी भी क्या होता है कि एड देने के लिए जो राष्ट्रों को क्षति हुई थी उनको पैसे दिए गए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो पैसे दिए गए थे मिलिट्री एड के लिए, एक तरह से अपने सैन्य शक्ति को फिर से जुगाड़ करने के लिए। गॉट इट? सैन्य शक्ति को फिर से बनाने के लिए। लेकिन मार्शल प्लान जो था वो बिल्कुल इकोनॉमिक एड था, आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज के रूप में 4 साल के लिए। करेक्ट? नाउ ऑल्सो टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन यूरोपियन नेबर्स, यूरोपियन नेबर्स के बीच में ट्रेड बैरियर दूर हो, जो कि देखिए ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है गाइज, आप एक सामान का आदान प्रदान करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगते हैं, बहुत तरह की शिपिंग चार्जेस हैं, खर्च बहुत आता है। तो ये ट्रेड बैरियर्स को दूर करने के लिए कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आसानी से आना जाना हो, आसानी से अगर ट्रेड पॉलिसी एक तरह का बन जाए, तो क्या होगा, उससे इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगा और तेज़ी से सुधरेगा। गॉट इट? सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि उन्होंने दिया कि नेबर्स में ट्रेड बैरियर दूर हो जाए, और दूसरा अमेरिका का भी स्वार्थ था कि उसका यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड है वो ईजी हो जाए। गॉट इट? सो यूरोपियन कंट्रीज से उसने अपना संबंध भी अच्छा बनाना चाहा, एक तरह से ट्रेड रिलेशन बनाना चाहा, और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में भी एक ट्रेड बैरियर जो है सारी दूर हो जाए और एक इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन करके उभरे। करेक्ट? सो ओके, चलो तो हम लोग अब चलते हैं मार्शल प्लान को देख लेते हैं एक बार, मार्शल प्लान के तहत क्या करना था, काम क्या था। नाउ अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो बना OEEC, पहले देखिए गाइस यूरोपियन यूनियन एक बार में नहीं बना है। गॉट इट? यूरोपियन यूनियन जो एक बार में नहीं बना है, उसका कारण क्या है कि वो धीरे धीरे एज अ यूनिट डेवलप हुआ है। सबसे पहले उसको 1948 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू OEEC के रूप में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है? दिस बिकम अ फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, वाई वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, बिकॉज ईस्टर्न साइड रशिया कंट्रोल कर रहा था। गॉट इट? वेरी क्लियर। देखो शुरू से क्लियर हो जाओ तुम लोग कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो पोजीशन दोनों ने हासिल किया, रशिया ने ईस्टर्न यूरोप पे पूरा कब्जा कर लिया और वेस्टर्न यूरोप कंट्रोल में आ गया अमेरिका के। ठीक है? तो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज, आर्थिक इश्यूज और जो ट्रेड रिलेशनशिप है उस पे इन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स यूनाइटेड हो जाते हैं। ठीक है? नाउ अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। अब 1949 में एक पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए राजनैतिक रूप से एक सहयोगिता का माहौल हो तो एस्टैब्लिश क्या किया गया, यूरोप, सो काउंसिल ऑफ यूरोप। गॉट इट? 1948 में आता है OEEC और 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप हो जाता है। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी किस तरह से वर्क करती थी और किस तरह से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूरोपियन यूनियन। गॉट इट? सो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बनता है। ठीक है? OEEC जो आप देख रहे हैं, यूरोपियन कम्युनिटी, पहले तो काउंसिल ऑफ यूरोप हो गया एंड नाउ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सेम जो फॉर्मेशन है गाइस, वो सिर्फ नाम बदल रहा है, ध्यान रखिएगा।
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में इस्टेब्लिश हो गया. नाउ द ईईसी वाज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट अमंग इट्स मेंबर्स. अब ईईसी क्या करता था, इसका जो डिज़ाइन था वो क्या था, सभी मेंबर्स को कहा गया एक कॉमन मार्केट में आने के लिए ताकि ट्रेड बैरियर्स दूर किया जा सके. अगर हम देखिए, मान लीजिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक रहे गाइस, तो क्या होगा, हम लोग ईजीली मूव कर सकेंगे, ट्रेडिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो ईजीली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे ट्रेड बैरियर अगर नहीं रहेगा. आपको क्लियर हो रहा है ना कि दूसरे कंट्री में जाने से ही बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, इकोनॉमिक फॉर्मेलिटीज़, तो वो पूरा ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने मेंबर्स के साथ क्या किया कि एक तरह से कॉमन मार्केट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है. और कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी भी, कि फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी सुधार लाया, कॉमन किया उसको. नाउ द ट्रीटी ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी. कॉमन एग्रीकल्चरल, जो आप कल्टीवेशन करेंगे, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उसके लिए भी जो पॉलिसी तय की जाएगी कि कहाँ कितना जाएगा, किस प्राइस में बिकेगा, ये सारी चीज़ें गाइस बड़ा ही कॉमन एकदम फिक्स किया गया उसको, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए. मान लीजिए कि फ्रांस में 50 रुपीज़ में कोई चीज़ मिलता है, जर्मनी में 80 में मिलता है, इटली में 100 रुपीज़ में मिलता है, तो आप जब कोई चीज़ लेकर मूव कर रहे हो तो आपको टैक्सेस 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 पे करके कितना प्राइस हो जाएगा, गॉट इट. तो अगर ये कॉमन मार्केट हो जाए और सब जगह 50 रुपये में उपलब्ध हो जाए तो कितना आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करना. क्लियर है ना गाइस. So now, so which was established, the treaty also provided for a common agricultural policy which was established in 1962 to protect EEC farmers from agricultural imports. जो इन लोग import करते थे, बाहर से मंगाते थे, तो उससे protect करने के लिए farmers को, चूँकि farmers को जब तक घर का produce अगर नहीं बिकेगा तो उनको फ़ायदा नहीं होगा. Clear है, क्लियर है गाइस, कि फार्मर्स के प्रोड्यूस अगर बिकेंगे नहीं तो फार्मर्स को नुकसान होगा, गॉट इट. अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फार्मर्स के हित को देखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई 1962 में, एग्रीकल्चरल पॉलिसी. क्लियर है. नाउ दिस प्रोसेस नीडेड अ पॉलिटिकल डायमेंशन. अब आ गया राजनैतिक रूप से इसको प्रोटेक्शन मिलना जरूरी हो गया. क्लियर है, अभी तक ये राजनीतिक फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये जस्ट क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. नाउ इट नीड्स द पॉलिटिकल फॉर्मेशन, राजनीतिक रूप में एक उसका फॉर्मेशन होना निश्चित हो गया. अब क्या हो गया, द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन पार्लियामेंट एक बन गया, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, और गाइज यहाँ इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, चुने जाते हैं लोग इस पार्लियामेंट के लिए, गॉट इट. और ये 28 कंट्री, आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि 28 कंट्रीज़ का जमावड़ा है और इन सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है. नाउ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत ब्लॉक लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992. ये एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काम कर रहा था गाइज 1957 से लेके 1992 तक. जैसे ही ईस्टर्न ब्लॉक रशिया डिसइंटीग्रेट कर गया, उसी समय ये हो गया यूरोपियन, एक तरह से यूरोपियन यूनियन के रूप में उभर के आता है. और ईस्टर्न ब्लॉक के भी कंट्रीज़ जो रशिया के साथ थे आज तक, वो भी शामिल हो जाते हैं कहाँ पर, यूरोपियन यूनियन में, गॉट इट. अब देखिए कि इसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, गॉट इट. नाउ This foundation had a goal for a common foreign and security policy. अब इस foundation का goal क्या हो गया, एक common foreign और security policy अब बनना चाहिए. Cooperation on justice, जैसा कि इनका Luxembourg में इनका अपना justice वो है guys, court of justice जो Luxembourg में है, ठीक है. और जो parliament है उसका मैं बताना भूल गई, वो Brussels में है, headquarter है इनका, European Union का headquarter Brussels में है, ठीक है, that is in Belgium. Now, और Luxembourg में है इनका कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो आप देख रहे हैं कि ये एक 28 कंट्री का जो जमावड़ा है, ये एक
एक पूरा नेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, गॉट इट, जिसको अपना पार्लियामेंट है, अपना एंथम है, अपना झंडा है, अपना उनका आर्मी है गाइस, उनका अपना करेंसी है, 19 कंट्रीज हैज अडॉप्टेड यूरो एज अ करेंसी, क्लियर है आपको? नाउ अब देखते हैं कि दिस फाउंडेशन हैड अ गोल फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, नेचुरली जैसे ही ट्रेडिंग होगा गाइस यहाँ पे कोर्ट का आना जरूरी है, किसने धोखा दिया, किसने पैसे लेकर रख लिए, किसने ट्रेडिंग में क्या किया नहीं किया, तो सबसे पहले तो जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश होना जरूरी है. नाउ होम अफेयर्स आ गया एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी दैट इज यूरो, 19 कंट्रीज हैज अडॉप्टेड दिस. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन का जीडीपी, जीडीपी वाज एस्टिमेटेड टू बी 18.8 ट्रिलियन नॉमिनल इन 2018, ठीक है, इतना इनका जो 18.8 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर है, टर्नओवर नहीं है, जीडीपी इनका एस्टिमेटेड जीडीपी है 18.8 ट्रिलियन डॉलर, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 22% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. कैन यू इमेजिन टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का 22% इनका जीडीपी है. यूरो जो है यूज्ड बाय 19 ऑफ इट्स 27 मेंबर्स, कहीं पे गाइस 28, कहीं पे 27 लिखा रहेगा, जहां आप 27 लिखोगे वहां आपको लिखना जरूरी होगा कि ब्रिटेन अभी प्रोसेस में है, ब्रेक्सिट हो चुका है बट अभी प्रोसेस में है, पूरी तरह से निकला नहीं है. Now is the second largest reserve currency as well as the second most traded currency in the world after the United States dollar. Dollar के बाद सबसे ज़्यादा trade किस currency का होता है? Euro का. Got it? So इस तरह से हम देखते हैं कि एक देखिए economic community पहले बनी और अब ये राजनैतिक रूप से एक पूरे राष्ट्र के रूप में कैसे develop हो जाता है European Union, ठीक है? Now the European Union has evolved over time from an economic union to a political one, ठीक है, तो एक तरह से वो अब धीरे धीरे राजनैतिक रूप में एक नेशन के रूप में उभर के आता है. European Union was not always as big it is today. आज जैसा है वैसा नहीं था पहले. देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, 1951 में जब ये इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में आया था तो ओनली बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नेदरलैंड पार्टिसिपेटेड, ओनली द 6 कंट्रीज. शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6 कंट्रीज के साथ, क्लियर है? नाउ इट हैज़ 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जहाँ पे आप 28 कंट्रीज लिखोगे वहाँ लिख देना इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जहाँ 27 लिखोगे तो लिखोगे कि ब्रिटेन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इट, ठीक, ब्रेकिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. सो प्रशांत कह रहे हैं क्लियर, प्रशांत अंडरस्टैंड, वाओ प्रशांत एकदम साथ साथ चल रहे हैं, थैंक यू प्रशांत. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ इट हैज़ 28 कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन. नाउ यूरोपियन यूनियन एक्ट्स मोर एज अ नेशन स्टेट, जैसे इंडिया है गाइज, तो इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं आप देख रहे हो, तो सारे स्टेट को मिलाकर इंडिया चलता है ना, तो और इंडिया की पॉलिसी क्या होती है, सभी स्टेट्स को मान्य है, क्लियर है, हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम है. सेम यूरोपियन यूनियन ऐसे ही एक्ट करता है, जस्ट लाइक अ नेशन स्टेट, गॉट इट, देखिए बहुत क्लियर होना चाहिए अदरवाइज आप लिखिएगा. अच्छा प्रांजल, ओके ओके, यस यस प्रशांत ने, इतना ध्यान नहीं रहता है प्रांजल, मैं आपको यहाँ प्रशांत ही बोलूँगी. सो नाउ अब क्या हो गया, अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन हैव फेल्ड. यूरोपियन यूनियन के लिए सिर्फ एक चीज़ फेल हुआ है गाइज, बाकी सब चीज़ है, ध्यान रखिएगा, इनका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो प्लान था वो फेल हो गया है, अदरवाइज उनके पास फ्लैग है, अपना एंथम है, फाउंडिंग डेट है कब शुरू हुआ और करेंसी अपना है. और फ्लैग गाइज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, जो इनका ब्लू कलर का फ्लैग है, बैकग्राउंड ब्लू है, ब्लू कलर क्या शो करता है, एक तो पीस शो करता है, यूनिटी शो करता है ना, और उस पर
12 स्टार्स गोल में है, तो गोल का अर्थ क्या है कि कहीं से टूटा हुआ नहीं है, सर्कल नेवर ब्रेक्स ना, तो उसको यूनिटी के आधार पे 12 स्टार लिया गया है और 12 येलो स्टार लिया गया है। जस्ट ये 12 नंबर इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एक तरह से बड़ा ही इंटीग्रिटी का साइन है और प्योरिटी का साइन है, 12 मार्क, ठीक है, 12 नंबर जो है, सो इसीलिए इनके फ्लैग में 12 स्टार है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो कभी कभी थोड़ा वो भी जान लेना चाहिए। नाउ देयर इज़ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग्स विद अदर नेशन। अदर नेशन के साथ इनका क्या डील होगा, वो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी सारे कंट्रीज़ का एक है। जैसे गाइज आप जान लीजिए ऐसे कि बिहार का अगर फॉरेन पॉलिसी कुछ और हो जाए, बंगाल का और हो जाए कि नहीं हम तो पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे और हम ऐसे जो बंगाल है वो कहे कि बांग्लादेश के साथ हमारा कोई बॉर्डर इशू नहीं रहेगा, हम मिल जाएंगे, तो क्या होगा, आपका सिक्योरिटी चला जाएगा। तो जब भी यहाँ पर भी तो 28 कंट्री का जमावड़ा है ना, तो सभी का एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी और कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगा। क्लियर है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगी। नाउ तो अब समझ में आया आपको कि ये जो फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी दोनों कॉमन होगा पूरे स्टेट के लिए, पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। नाउ हेडक्वार्टर इनका ब्रिजल्स में है, बेल्जियम, ये भी क्वेश्चन आता है गाइस कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अब हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन का जो ये क्या प्रमोट करता है, इनका एम क्या है। इट प्रमोट्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सारे रीजनल जो जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं एक दूसरे को सहायता करेंगे, इन्हांस करेंगे इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, टेरिटोरियल कोहेशन मतलब कि कोई बॉर्डर इशू नहीं हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, एंड सॉलिडरिटी अमंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के बीच में एक सॉलिडरिटी बनी रहे, सॉलिडरिटी इन द सेंस कि भाईचारा बना रहे, एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे। रिस्पेक्ट इट्स रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और अपने अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना, अपने अपने भाषा को, ऐसा नहीं है कि अब कॉमन भाषा हो गया, अब इटली में इटालियन नहीं बोला जाएगा, फ्रांस में फ्रेंच नहीं बोला जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपने सबका रिस्पेक्ट करते हुए आप इस नेशन स्टेट में शामिल हो। गॉट इट? आप इंडिया का उदाहरण लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि हम लोग इतने सारे भाषा भाषी, इतने सारे कल्चर, इतने सारे रिलीजन, हम लोग सब इकट्ठे कैसे रहते हैं। क्लियर है ना? सो नाउ इट्स रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एस्टैब्लिश एन इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन हुज करेंसी इज़ द यूरो। यूरो मेन करेंसी रहेगा, ये मॉनिटरी यूनियन एक तरह से बन जाएगा, कॉमन ट्रेड बैरियर नहीं होंगे, कॉमन मार्केट होगा। मॉनिटरी यूनियन का मतलब ये है एक इनका बैंक होगा, मॉनिटरी यूनियन जैसे ही शब्द आएगा इस ध्यान रखिएगा इनका अपना बैंक भी होगा। क्लियर है? नाउ यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज एम टू इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। ये 28 कंट्री में आप सिर्फ एक शेंगेन, अभी 27 कंट्री ही बोलती हूँ, 27 कंट्रीज़ में आप क्या कर एक शेंगेन वीज़ा लेकर के कहीं भी मूव कर सकते हो। तो क्या हो गया, फ्री मूवमेंट हो गया वहाँ के लोगों के लिए भी। अब ये नहीं है कि इटली से फ्रांस जाने के लिए उनको कुछ चाहिए, या ट्रेडिंग भी हो रही है तो वहाँ पे कोई टैक्सेस है, स्टेट टैक्सेस नहीं है, कॉमन पॉलिसी अब आ गई है। क्लियर है? नाउ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल ऑल्सो विद इन द इंटरनल मार्केट। ये जो कॉमन मार्केट है इसमें क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नाउ इनैक्ट लेजिस्लेशन इन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। होम अफेयर्स और जस्टिस में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में लोग चुन करके जाते हैं, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव अपनी बातों को वहाँ रखते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, करेक्ट है। नाउ कॉमन पॉलिसीज जैसे कि ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, जैसे कि व्यापार,
कृषि और मत्स्य पालन बोलते हैं फिशरीज़ को, और रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्षेत्रीय रूप से एक तरह से डेवलप होना, ठीक है, विकास होना, क्षेत्रीयता का विकास होना। चलो तो यूरोपियन मैप देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन का मैप आप क्लियर हो जाएगा गाइस। देखिए आप अब मैप से समझ में आता है ना, ये बिल्कुल कैसा है, एक स्कॉर्पियन जैसा लगता है कि ये सर है इसका और ये दो पैर हैं यहाँ पे, और ये देखिए पूंछ, लंबा सा पूंछ है, फिनलैंड एंड स्वीडन। तो एकदम लगता है क्या कि ये एक स्कॉर्पियन लेटा हुआ है समंदर में। सो इजंट इट ब्यूटिफुल। चलिए तो ओके ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये मैप मैंने इसलिए दिया है कि ओल्डर मेंबर्स जो हैं वो मरून कलर में हैं, और न्यू मेंबर्स जैसे कि चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, हंगरी, ये सब जो कंट्री है गाइस ये रशिया के साथ थे पहले, और ये ईस्टर्न ब्लॉक के टूटने के बाद ये शामिल हो जाते यूरोपियन यूनियन में। क्लियर है? तो ये न्यू मेंबर्स हो जाते हैं, और सभी मेंबर को मिलाकर ग्रीस, साइप्रस, माल्टा, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, देखिए कितने सारे कंट्रीज, और सब इकट्ठा होकर एक नेशन बन के वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस क्या पड़ा है पूरे वर्ल्ड पे, है ना? तो द इकोनॉमिक पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस इन एशिया एंड अफ्रीका, सबसे ज़्यादा एशिया एंड अफ्रीका में। इट ऑल्सो बिकॉज एशिया एंड अफ्रीका थोड़ा इकोनॉमिकली डाउन था, तो यूरोपियन यूनियन के आने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ किस तरह का ग्रोथ होता है। सो इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है ये। यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैज़ पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एक तरह से उनका क्या है, यूरोपियन यूनियन का डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति होता है हिंदी में गाइस, तो कूटनीतिक इन्फ्लुएंस एंड राजनीतिक रूप से ये सभी पूरे वर्ल्ड में ही लेकिन ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका को अफेक्ट करता है। ब्रिटेन एंड फ्रांस विच इज़ द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन होल्ड्स अ परमानेंट सीट्स ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपका मेंबर है, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य अगर मिनिस्टर है तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, क्लियर है ना? तो आपके अगर आपके परिवार में कोई सांसद है तो नेचुरली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं जर्मनी, फ्रांस, तो इसकी वजह से ये पूरा फ़ायदा यूरोपियन यूनियन को भी मिलता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उनके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, सो दिस हैज़ एनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसीज को भी प्रभावित करता है, यूएस के पोजीशन को, जैसे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में या इराक वॉर के समय भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जर्मनी ने साथ नहीं दिया था जैसे कि, क्लियर है, जर्मनी ने साथ नहीं दिया यूएस के इराक वॉर में, तो ये अपनी पॉलिसी यूएस पर भी मैंने यूएस की पॉलिसी से दबते नहीं हैं यूरोपियन यूनियन। चलिए नाउ यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशंस रादर देन कोअर्शन एंड मिलिटरी फोर्स, एक तरह से रीजनल क्षेत्र में बिल्कुल शांति बनाए रखने के लिए, इकोनॉमिक रूप से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन सभी रीजन में करेक्ट एकदम अच्छे से हो, कोई मिलिटरी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, हैज़ बिन इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हुई है यहाँ पर एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना, जैसे कि चाइना में थोड़ा ह्यूमन राइट का इशू था गाइज, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी था वहाँ पे, लेदर इंडस्ट्रीज़ के चलते ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, तो उस समय डायलॉग के द्वारा मिलिट्री वॉर नहीं किया गया या किसी तरह का कोई अग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई गई, बल्कि क्या किया गया, बड़ा ही सुलझे वातावरण में एक तरह से इस इश्यूज़ को सुलझा लिया गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन ख़त्म हुआ गाइज, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा कौन से बुक का चैप्टर है, बुक 1/4 चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। चलो तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ये आसियान कंट्रीज़ के बारे में गाइज, एक इनका भी फ्लैग देखिए इसमें एक डमरू बना हुआ है ना,
तो फ्लैग और एम्ब्लेम ये सारा एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है गाइस, तो एक सॉलिडेरिटी के लिए भी और एक ऑथेंटिसिटी के लिए भी एक तरह से फ्लैग, एंथम, सिंबल ये सब बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई रन करते हैं या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोग भी बनाते हैं। तो इसी तरह से साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया, अब यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम दूसरी थी, ठीक है। साउथ एशिया में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज़ कॉलोनीज थे, ठीक है। यहाँ पे युद्ध नहीं इतना हुआ था, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम था कि उनके यहाँ युद्ध हुआ था, सारी ज़मीनें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था, सारा बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे। वहाँ का प्रॉब्लम डिफरेंट था। साउथ एशिया का प्रॉब्लम था कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़, सारे कंट्रीज़ लगभग ये क्या थे, कॉलोनी थे, जैसे इंडिया भी था उसी तरह से, सारे कंट्रीज़ थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुने, ये सारा कंट्रीज़ क्या था, किसी ना किसी का कॉलोनी था, ठीक है। तो कॉलोनी होने से क्या हुआ था, जैसा आपको पता होगा इंडिया के साथ क्या हुआ, हम लोगों का भी नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स ले जाते थे और फिर दुगना दाम में वहाँ तैयार माल ला करके, जो कच्चे माल ले जाते थे, कच्चा माल और तैयार माल ला करके यहाँ पे मार्केट में दुगना दाम में बेच देते थे। तो हमारी इकोनॉमी टूटती जा रही थी, क्लियर है। तो सेम उसी से देखिए कि साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़ इसी तरह के वातावरण में जी रहे थे। तो जैसे ही कॉलोनी गई यहाँ से, साउथ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड कॉलोनियलिज्म्स। यहाँ पे फ्रांस का कॉलोनी, ब्रिटिशर्स का, पोर्चुगल का, हम लोग सारे कंट्रीज़ पे, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का आधिपत्य था, ठीक है। बोथ यूरोपियन एंड जैपनीज बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कुछ कंट्रीज़ जो थे वो जैपनीज़ के अंडर में भी थे, ठीक है, यूरोपियन भी और जैपनीज़ के कंट्रोल में थे। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर दीज कंट्रीज फेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक नेशन बिल्डिंग। तो जैसे ही आप देख रहे हैं नेशन बिल्डिंग वहाँ भी हुआ, यूरोपियन यूनियन में भी नेशन बिल्डिंग की बात थी, यहाँ पर भी सभी नेशन को अब अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना था, क्योंकि बुरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो इन सारे कंट्रीज़ का इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो गया था, सामाजिक संरचना भी टूटा हुआ था और पॉलिटिकल कंडीशन बड़ा ही अनस्टेबल, क्लियर है। नाउ दीज कंट्रीज़ फेस प्रॉब्लम्स लाइक नेशन बिल्डिंग, पॉवर्टी, नेचुरली आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द प्रेशर टू अलाइन विथ वन ग्रेट पावर और अनादर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जब ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद गाइज इमर्जेंस ऑफ टू पावर्स होता है, अमेरिका और रशिया का, तो सारे कंट्रीज़ पे दबाव बनता है कि आप या तो मेरे साथ आओ, अमेरिका कहता था मेरे साथ आओ, रशिया कहता था मेरे साथ आओ, तो ये दबाव भी इन लोग झेल रहे थे। तो किसी को किसी के साथ जाना नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया, पहले तो अपने आप को बनाने का काम किया, नेशन बिल्डिंग का काम। तो इन लोगों ने रीजनल हेल्प लिया, जो कंट्रीज़ अपने आसपास, जैसे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, अपने आसपास के क्षेत्र को इकट्ठा करके उन लोगों ने उन्नति के रास्ते पे चले। अब यहाँ भी देखिए साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये चार कंट्री, पहले शुरुआत चार कंट्री से होती है, चार या पाँच और फिर ये 10 कंट्री में बदल जाता है, तो ये अभी 10 कंट्रीज़ का जमावड़ा है। नाउ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वेर नॉट एबल टू कोप अप विथ सच प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स से वो जूझ रहे थे। तो अब इस्टेब्लिश करना था, टू इस्टेब्लिश द कन्वेंशंस फॉर इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरैक्शन एफर्ट्स एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी, एक तरह से थर्ड वर्ल्ड को यूनाइट करना। थर्ड वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, जो कि अभी इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, उनको फिर से इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ लाना है, पॉलिटिकली एक फॉर्मेशन में लाना है, इसीलिए आसियान कंट्रीज आते हैं थर्ड वर्ल्ड यूनिटी में, सच एज द, जैसे बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होता है और नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये नेहरू जी और घाना के जो ये थे प्रेसिडेंट थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट एंड वन थाईलैंड में भी, थाईलैंड के, इन लोगों ने मिल करके ये नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था। नाउ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सॉट एन अल्टरनेटिव बाय एस्टैब्लिशिंग द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
अब इनका नाम क्या हो जाता है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आसियान कंट्रीज़ के फॉर्मेशन की कहानी, और सेम है गाइस, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, सोशली एक तरह से इम्प्रूव करना, इकोनॉमी अपना ठीक करना, ये इनका मेन पर्पस था। नाउ आसियान मैप हम लोग देख लेते हैं, आसियान कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ गाइस, इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, सौहार्द वातावरण नहीं था, यहाँ भी बहुत मैत्रीपूर्ण वातावरण नहीं था, बिकॉज ऑफ ये कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी रहने से इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी उस समय में। तो इन 1967 द आसियान वॉज क्रिएटेड बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। सबसे पहले IMPS, याद रखिएगा IMPS, सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, अच्छा पांच कंट्री, एक दो तीन चार पांच कंट्री है, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन किया, अमन जोशी आ गए, हाय अमन, चलो अमन कह रहे हैं हाय, हाय अमन, चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी अभी हमने यूरोपियन यूनियन जस्ट ख़त्म किया है, आप रिकॉर्डेड देख लेना ज़रूर से, ठीक है अमन। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान, अब देख रहे हैं 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ ही ये पांचों कंट्री ने एक तरह से ये साइन किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड ने। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आसियान का, वे आर फंक्शनिंग फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही लिए यूरोपियन यूनियन भी आया और आसियान भी, ठीक है। नाउ इट्स मेंबर्स थ्रू द प्रोमोशन, सेम है, यूरोपियन यूनियन का जो प्रॉब्लम था, सिर्फ प्रॉब्लम अलग था बट एम और गोल दोनों ऑर्गेनाइजेशन का सेम है, क्लियर है। नाउ इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वे टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी विच वेयर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो यूनाइटेड नेशन ने उस समय तक, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हो गया था और उन्होंने हर कंट्री के लिए एक चार्टर बनाया था कि किस तरह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखेंगे, इंटरनल मैटर में किसी का हस्तक्षेप ना हो, इस तरह का जो चार्टर था उसी के तहत इन्होंने, इनका भी ऑब्जेक्टिव था, इन लोग एक साथ आते हैं रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से। नाउ ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओ, म्यांमार, कंबोडिया, इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, पांच कंट्री से शुरू हुआ था गाइस, ध्यान रखिएगा पांच कंट्री से शुरू हुआ और पांच कंट्री ने बाद में इनको ज्वाइन किया, दैट इज़ ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया हैज़ ज्वाइंड एंड 10 कंट्रीज़ का स्ट्रेंथ हो गया इनका। नाउ इकोनॉमी कैसा है आसियान का भी देख लेते, यूरोपियन यूनियन का हम लोग देख चुके हैं। सो प्रिंसिपली आसियान वॉज एंड स्टिल एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन, वो वैसा ही था भी और आज भी है एक इकोनॉमिक एसोसिएशन के रूप में। कंपेयर टू द US, द EU एंड जापान, इज आसियान रीजन एज अ होल इज मच स्मॉलर इकोनॉमिक। अगर हम लोग कंपेयर करें US ऐसे कंट्री से, यूरोपियन यूनियन इतने बड़े, वो भी एक नेशन स्टेट है गाइज, जापान, आसियान जो रीजन है ये बड़ा ही स्मॉलर इकोनॉमी है लेकिन बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो दिस ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस बोथ इन द रीजन एंड बियॉन्ड। अब ये ग्रोथ जो है ये किस तरह से उस रीजन को भी ग्रोथ कर, माने वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है और उसके आगे भी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव आसियान का यही है, सेम कॉमन मार्केट हो, प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर अच्छा हो, और एग्रीकल्चर पॉलिसी यहाँ पर भी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, साउथ चाइना सी के जो इन लोगों का ट्रेडिंग एरिया है गाइस, ये आठों दसों कंट्री के बीच में चाइना सी है, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी इन लोगों के बीच चलता है वर्चस्व को लेकर, कभी इंडोनेशिया जैसे कभी हावी हो जाता है, कभी फिलीपींस हावी हो जाता है, लेकिन
फिर भी आसियान कंट्रीज़ जो है एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझता है और एक दूसरे के प्रॉब्लम को डिस्प्यूट को सेटल भी कर लेता है, ठीक है, अपने में. नाउ इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स. वहाँ पे ट्रेड को लेकर के मैंने अभी बताया कि जो डिस्प्यूट्स है उसको भी इन लोग अपना सेटल कर लेते हैं. जैसे इंडोनेशिया ने तिमोर पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है, कंबोडिया पर भी इंडोनेशिया का एक बार आक्रमण, वो तो एक तरह से वहाँ पे अनरेस्ट का माहौल थोड़ा रहता है, अभी थोड़ा सा ठीक है, 25-30 साल से वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, लेकिन जनरली जो भी अनरेस्ट का सिचुएशन कहीं भी बनता है तो ये आसियान कंट्रीज इकट्ठा हो जाते हैं और मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो कंट्रीज लाइक द US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद आसियान. तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, ये क्या कर रहे हैं, इन लोग नेगोशिएट कर रहे हैं ये फ्री ट्रेड एरिया जोन में आने. ये फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है गाइस, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है जहाँ पे ट्रेडिंग फ्री हो जाता है, इन द सेंस कि इस रीजन में अगर कोई, जैसे हमारा थाईलैंड के साथ एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि थाईलैंड के साथ इंडिया ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है, तो लेदर का जो हमारा, जैसे मान लीजिए बंगाल में किसी की इंडस्ट्री है, कोलकाता में लेदर इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसको थाईलैंड भेजना है, तो अगर वहाँ पर वो मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ में एक लेदर बूट जाना चाहिए, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग करके वो हो जाएगा 1500, तो थाईलैंड भेजेगा ट्रांसपोर्ट चार्ज के साथ, एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ, बहुत सारे उसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा और शायद वहाँ पर ना चले. लेकिन जैसे ही ये फ्री ट्रेड एरिया में या ये ट्रेड अग्रीमेंट जो हमारा हुआ है थाईलैंड के साथ, तो हम 1000 रुपीज़ में ही बिना किसी टैक्स के ही थाईलैंड को दे देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे 1200 में बिक जाएगा. क्लियर है? तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की कि फ्री ट्रेड एरिया आने से गुड्स का आराम से आदान प्रदान होना, बहुत ही ट्रेड बैरियर, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं या बड़ा नॉमिनल लगता है. ठीक है ना, US और चाइना भी एक तरह से आसियान कंट्रीज़ के साथ आ रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए. सो बातचीत चल रही है. इंडिया का भी बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ साउथ में अभी बातचीत चल रही है, थाईलैंड के साथ हो चुका है, अदर बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स अभी पेंडिंग हैं. नाउ आसियान एंड इंडिया का संबंध देख लेते हैं. आसियान कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या संबंध है. आसियान इज़ रैपिडली ग्रोइंग इंटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. आसियान का जो आसियान कंट्री जो है ये बहुत तेज़ी से एक तरह से क्षेत्रीय संघ के रूप में तेज़ी से ग्रो कर रहा है. आसियान हैज़ अ विजन 2020 विच हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी पैठ बनाना एक तरह से ये चाह रहा है और दिस बिल्स ऑन द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू इनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन. तो इस रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे. क्लियर है गाइस कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, इसको भी इनकरेज करता है आसियान पॉलिसी. आसियान एंडेड द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, द ईस्ट तिमोर क्राइसिस, जो मैंने अभी बताया कि इंडोनेशिया ने आक्रमण किया था तिमोर पे, तो ये आसियान कंट्रीज ने अपने बीच में इसको सुलझा लिया. ठीक है, नाउ इंडिया एंड चाइना हैज़ बीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ऑफ द आसियान स्टेट. आसियान के साथ मैंने बताया कि इंडिया और चाइना ने एक तरह, देखिए इन लोग पार्ट नहीं हैं गाइस, आसियान कंट्रीज़ के पार्ट नहीं है बिल्कुल इंडिया और चाइना, लेकिन इन लोगों ने एक साइड से अग्रीमेंट किया हुआ है. ठीक है, नाउ India paid little attention to ASEAN during the Cold War era years. Cold War era के time में इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के तरफ, लेकिन बाद में पूर्व की ओर देखो करके पॉलिसी आई पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के टाइम में कि पूर्व की ओर देखो. ठीक है, लुकिंग ईस्ट ऐसा एक पॉलिसी आया और तब जा कर के ध्यान गया कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा संबंध सुधरना चाहिए.
Now, in recent time, India has tried to make amends by signing FTAs with two ASEAN members, Singapore and Thailand के साथ एक सिग्नेचर हो चुका है ट्रेड पॉलिसी पे, ठीक है. तो ASEAN's strength lies in its policies of interaction and consultation with member states के साथ उनका interaction, consultation, all the time discussions, policies पे तैयार होना, नहीं तैयार होना, consensus पे आना, with dialogue partners and with other non-regional organizations, जो other organizations उस region में work कर रहे हैं या उनसे बाहर भी हैं, उनके साथ भी बड़ा ही मधुर संबंध एक policy making में लाना, interaction करना, dialogue के द्वारा बातचीत जारी रखना, कहने का मतलब. So now it is the only regional association in Asia that provides a political forum. एक तरह से एक राजनीतिक फोरम प्रोवाइड करता है रीजनल एसोसिएशन इन एशिया जो है, वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो ये एक तरह से फोरम प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके कोई राजनीतिक संकट पे बात करनी है या कोई सिक्योरिटी को लेके इश्यूज है, आपके रक्षा से संबंधित या आपका संरक्षण से संबंधित कोई भी इशू है तो मिल करके उस पर चर्चा करना. सो यस, ये था गाइज आसियान और यूरोपियन यूनियन कंट्री के बारे में बातचीत हमने की. ये आपका चैप्टर 4 है और अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अन अकेडमी के फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं. सो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज. सॉरी, ये नया स्लाइड कहाँ से आ गया. ओके, तो एक मिनट गाइस, मेरा तो स्लाइड ही चला गया, मैं दिखा नहीं पाई. सो हेलो, दिस इज़ अंजलि यादव. मैंने शुरू में अपना परिचय ही नहीं दिया, आई एम सॉरी गाइज. हेलो, दिस इज़ अंजलि यादव, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर हूँ मैं. अन अकेडमी में CBSE 11th एंड 12th को पढ़ाती हूँ गाइज, और मेरा रेफरल कोड है ANJALEE10. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए ऐप में, और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन का बहुत फ़ायदा है गाइज. प्लस अभी मैं प्लस फीचर्स के बारे में भी बात करूँगी. ये मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है. ANJALEE10. नाउ हम लोग देखेंगे अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या क्या हैं. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. जैसा कि आप जानते हैं, आप आराम से घर में बैठ करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, बिल्कुल कोजी वातावरण में. अपने कोजी से सोफे पे बैठ जाओ, बैठ करके लैपटॉप या मोबाइल पे अपनी पढ़ाई पूरी करो. सो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज. अगर आपने किसी एक कोर्स में भी दाखिला लिया, प्लस लिया है अगर आपने, तो आप अदर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है. सो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज हो गया. नाउ टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म है. सारे एजुकेटर्स गाइस, सब सारे टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपकी सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल सही तरीके से और बहुत ही उत्तम, जिसको कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन देना, ये सॉरी अन अकेडमी का ये सर्वोपरि, ये सर्वप्रथम कार्य है. नाउ एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाता है आपको. सारे सिलेबस का क्या हो जाता है गाइस, 2 साल का कोर्स आप ख़त्म कर देते हो सिर्फ 5 महीने में. अभी तो 3 महीने में आपका शाइन बैच आ गया है, शाइन बैच ज्वाइन कर लो तो 3 महीने में ख़त्म कर लोगे. नाउ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जो कि हर 4th सेशन हम लोगों का क्या होता है, आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाता है. लाइव टेस्ट सीरीजेज होते हैं. स्टडी मटेरियल गाइज आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है. आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, और मेंटोरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिल ही जाता है हम लोगों का ऑल द टाइम. टेलीग्राम पे भी आप जब क्वेश्चन करते हो रात के 12 बजे भी, तो हम लोग आंसर कर लेते हैं.
नाउ डेली प्रैक्टिस सेक्शंस है, वीकली मॉक टेस्ट है और न्यू लाइव क्विजेज आ गए हैं. सो लाइव क्विजेज ज्वाइन करिए गाइज, उससे आप लोगों का सिलेबस जो है और पुख्ता हो जाता है, आपको याद हो जाता है जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं. नाउ फीचर्स इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये अन अकेडमी ने एक नया शुरू किया है गाइज. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटोरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग. यहाँ पे इन्होंने क्या क्या, एक पर्सनल मेंटोर आपको दिया है, ठीक है. हर एक को एक पर्सनल मेंटोर डिप्यूट किया जाता है, पेरेंट के साथ कनेक्शन हो जाता है और लाइव डाउट सॉल्विंग, आप एनी टाइम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. स्टडी प्लानर मिल जाता है, जिससे कि आपका बोर्ड्स बहुत नज़दीक आ रहा है, अगर आपको स्टडी प्लानर मिल जाए तो आप बहुत आराम से अपना पूरा मंथ का एक रूटीन बना लेते हो, सेटअप कर लेते हो और चेक करते रहते हो कि आपने कितना किया है काम. वीकली रिपोर्ट मिल जाता है आपके क्लास अटेंडेंस के, परफॉर्मेंसेस के और जो आपने क्विजेज किए हैं उसका रिजल्ट भी, ठीक है. नाउ ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, प्लस के जो फीचर्स अभी मैंने दिखाए वो सारे प्लस फीचर्स के साथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये अलग से इतने सारे आपको मिल जाते हैं फीचर्स. क्लास 11 के साइंस एंड कॉमर्स कंप्लीट सिलेबस बैचेस हैं 2021 के, उसी तरह से क्लास 12 के साइंस कॉमर्स कंप्लीट सिलेबस बैचेस 2021 के हैं. और यहाँ पे सभी गाइस बहुत अच्छे एजुकेटर, बहुत ही गुणी लोग हैं, बहुत ही टॉप एजुकेटर्स को अन अकेडमी ले करके आते हैं. जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ पढ़ाती हूँ. नाउ कॉमर्स एनसीईआरटी वीकेंड बैच जो है ये 11th कॉमर्स का साइंस एनसीईआरटी वीकेंड बैचेस है और कॉमर्स के साइंस के एनसीईआरटी वीकेंड बैचेस भी आ गए हैं. सो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए गाइज. सो लेट्स क्रैक फाइनल एग्जाम्स जो साइंस का है वो भी आ गया है अभी, और साइंस का हिंदी में और साइंस का इंग्लिश में भी, ठीक है. नाउ शाइन बैचेस जो आ गया है गाइज वो है प्री बोर्ड्स के लिए, CBSE 2020-21 के लिए हिंदी में और इंग्लिश में भी, ठीक है. सो नाउ लेट्स क्रैक, ये कॉमर्स हो गया, प्री बोर्ड्स के लिए शाइन बैचेस हैं, मैंने बताया अभी, शाइन बैचेस फॉर ह्यूमैनिटीज़ और सारे गाइस आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और जितने आपके ह्यूमैनिटीज़ के हैं, ह्यूमैनिटीज़ प्लस भी आ गया है और साइंस के सारे सब्जेक्ट और कॉमर्स तो हैं ही हैं. नाउ टेस्ट सीरीजेस फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी चल रहा है क्लास 11 एंड 12 के लिए, और ये फ्री फॉर ऑल है, फ्री क्लासेस एंड टेस्ट. ये अगर आपने प्लस नहीं भी लिया है आप ये टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो गाइस, ठीक है. और क्रिएटिव कॉर्नर, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री विद CBSE, ये आप लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट्री भी आ गया है, क्रिएटिव कॉर्नर है जिसमें आप अलग अलग तरह के, देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जैसे आपको स्कूल्स में मिलता है, अन अकेडमी ने ये फीचर्स भी लेकर के आया है, अन अकेडमी ने आप लोगों के लिए लाया है. सो वैदिक मैथ, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिगैमी आप जानते हैं जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट को कहा जाता है, मैजिक ट्रिक सिखाया जाता है, पोइट्री सिखाया जाता है, स्टोरी टेलिंग है, रोबोटिक्स है, मेनमोनिक्स है एंड डिबेटिंग. क्लियर है गाइस, देखिए कितने सारे चीज़ आप अपने क्रिएटिविटी को यहाँ पर क्या कर सकते हो, मांज सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हो अपने क्रिएटिविटी को. अभी कहीं जाना नहीं है गाइस, तो ये क्रिएटिव कॉर्नर आपके बहुत काम में आने वाला है. नाउ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं प्लस के साथ आइकॉनिक फीचर्स भी मिल जाएंगे. इन जैसे कि आइकॉनिक में मैंने बताया आपको कि पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्यूशन एंड पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर, ये सारे चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आइकॉनिक से. अब मेरा रेफरल कोड आप देखिए ANJALEE10 है गाइज, इसको इस्तेमाल करने पर यहाँ बॉक्स में आप लिखेंगे ANJALEE10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे. ये एक महीने का सब्सक्रिप्शन है और 3 महीने का है, 6 महीने का है गाइस, 12 महीने का भी है, 18 महीने का भी है और 2 साल का भी है. तो आप कितने भी कोर्सेस कितने भी महीने के लिए आपका जो मन करे, पहले 1 महीने का लेकर देख लो, शायद आपको अच्छा लगे तो फिर आप ज़्यादा लंबे हैं
ज़्यादा समय के लिए जो कोर्सेस है उसमें भी आप ले सकते हो। सो गाइज अगेन आप देखिए कि ये है मेरा रेफरल कोड ANJLEE10, जो बॉक्स में आप डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये 6 महीने का कोर्स है, 12 महीने का भी है, 18 महीने का भी है एंड 24 महीने। ये प्लस और आइकॉनिक, ये अगर दोनों आप लेते हो तो ये 6 महीने का 15,300 है, जिसमें कि आपको 90% ऑफ भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये अगेन क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक के साथ अगर आप लेते हो क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन तो 3 महीने का 5,850 है, 6 महीने का 9,000 है, 12 महीने का 13,500 है। सो अगेन ये क्रिएटिव कॉर्नर, ये सिर्फ क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन नहीं, ये सब्सक्रिप्शन वही है 6 महीने का और 1 साल का। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लवली सेशन के लिए, और बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ बात करके। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नाउ। और आप लोग जो लेट आए हैं गाइज, प्लीज़ आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए, पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको यहाँ बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी उपलब्ध कराता है, अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज़ करके हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय गाइज, बाय।